तो ये याद रखें। अब ये तो पता चल गया कि ये डू नॉट ओबे है आइडियल गैस लॉस को, या कह सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द कंडीशंस। कहीं कहीं पे वैलिड है बट नॉट एट ऑल द कंडीशंस। यस प्रथम, रिकॉर्डिंग इज ऑन नाउ, अभी ऑन किए, एक बच्चे ने याद दिलाया। नाउ देखें आगे। लेकिन ये रियल गैसेस, जो रियल गैसेस होती हैं वो डेविएट कर जाती हैं इससे, आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट्स फ्रॉम, या डेविएट लिख सकते हो, डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज, क्योंकि पहला पॉइंट, रियल गैस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका अपना खुद का वॉल्यूम होता है। रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव अ फाइनाइट वॉल्यूम, उनका एक मिजरेबल वॉल्यूम होता है, भले ही बहुत थोड़ा सा हो, बहुत कम हो, बट वो एक्चुअल में कुछ तो वॉल्यूम रखते हैं। और ये एक्चुअली प्रैक्टिकली सही भी है भाई, जब उनके अंदर मास है, उनके अंदर वेलोसिटी है, वो मैटर है, तो उनके ऊपर वॉल्यूम तो होना ही चाहिए, उनके पास वॉल्यूम तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड जो पॉइंट है वो लिखेंगे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं समझे प्रणव, बोलो क्या डाउट है, बताओ। नेक्स्ट लिखेंगे, सर हाँ फिर डाउट हाँ बोलो तो। केमिकल अच्छा, इसके बाद चलूंगा, पहले इसको खत्म कर लेना। प्रथमेश और प्रथम आए ना, ये लोग तो बोल रहे थे कि सर जो है वो फूटा हुआ चैप्टर है, पहले कंप्लीट कर लीजिए। नहीं अभी ज्यादा नहीं सिखाया प्रथमेश, देखो मैंने क्या सिखाया है भाई। आइडियल गैस जल्दी देख लो, जो देर में आए हैं, टोटल 2 स्टूडेंट्स लेट हैं, 40 थे, 42 हो गए। दो के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि अभी बहुत कम हुआ है। आइडियल गैस जो होती है उसके अंदर हमने पॉस्टुलेट्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में माना था कि नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दूसरा पॉइंट क्या था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये माना था कि नहीं माना था प्रथमेश, याद आया? है ना, वॉल्यूम भी तो उनका माना था कि नेग्लिजिबल है। बट रियल गैस में क्या यस हो सर, रहा यस है, सर, वो आइडियल गैस जैसी बिहेव नहीं करती। हर एक टेम्परेचर पे, हर एक प्रेशर कंडीशन पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती, मतलब वो डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। रियल गैसेस जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं उनको बोलते हैं रियल गैसेस, जैसे CO2, NO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दीज आर कॉल्ड रियल गैसेस, दीज आर नॉट आइडियल, है ना, इमेजिनरी गैसेस नहीं है, दीज आर रियल गैसेस। और रियल गैस डेविएट इसलिए करती हैं क्योंकि उनका खुद का वॉल्यूम होता है, उनका अपना खुद का फाइनाइट वॉल्यूम होता है, कुछ तो वॉल्यूम उनका होगा, एक्चुअली होना भी चाहिए, बिकॉज दीज आर मैटर। वो गैस कंटेनर का नहीं लगेगा ना मतलब उसमें वो वो है, उनका वॉल्यूम रहेगा, बट अभी आगे चल के समझ में आएगा कि जो हमारा गैस का वॉल्यूम है उसकी डेफिनेशन क्या थी, फ्री स्पेस अवेलेबल, है ना। तो अगर मान लो यस कंटेनर का वॉल्यूम वी है और गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम कुछ वी डैश है, तो कितना फ्री स्पेस बचेगा, माइनस करके निकालना पड़ेगा, आगे करेंगे उसको। ओके हाँ, ओके सर, दूसरा पॉइंट पढ़ो, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, या जो हमारे पास ये आपस में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो जीरो नहीं होते। यहाँ पे लिखेंगे जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, फोर्सेस बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट जीरो। कैसे नहीं होते वो, बोलो? जीरो नहीं होते, मतलब गैस का जो मॉलिक्यूल है वो आपस में कुछ तो अट्रैक्शन रखेगा, कुछ तो अट्रैक्शन रखेगा, और उसको अगर बहुत पास लाओगे तो वो रिपेल भी करेगा एक दूसरे से। तो इसका मतलब ये हमारे रियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और बहुत ज्यादा पास आने पर रिपेल भी करते हैं। ये रियल गैस अगर भरी है यहाँ पे तो ये दोनों पॉइंट इसके अंदर लगेंगे। सर वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे अट्रैक्ट और रिपेल हो सकते हैं? क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग है, जैसे हमारे पास अगर ओ एच सी एल है तो एच सी एल के मॉलिक्यूल एच सी एल के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम कैसे करते हैं।
इसके ऊपर डेल माइनस आता है, डेल प्लस, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकली अट्रैक्ट करते हैं, समझ और रहे हो? सर रिपेल, रिपेल तब करेंगे जब बहुत पास आएंगे, तो उनके न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके तो रिपेल भी करते हैं। तो अभी के लिए याद रखना है कि रिपेल करते हैं और नॉर्मली अट्रैक्ट करते हैं, बहुत पास आने पर रिपेल भी करते हैं। मतलब अगर रियल गैस है, तो अगर मान लो इसको हमें लिक्विफाई करना हो, क्या करना है इसको, लिक्विफिकेशन करना है इसका, इसको लिक्विड बनाना है, तो ये लिक्विड बन जाएगा, है ना? थोड़ा बहुत क्या मिलेगा हमको, लिक्विड। यहाँ पे क्या था, ये रियल गैस। तो रियल गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो बच्चों, लिक्विफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। क्या इतना समझ में आ रहा है? ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर इनको हम पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को, एक दूसरे में कंडेंस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक लिक्विड बनेगा, जैसे वाटर वेपर। सुनो इधर, वाटर वेपर तुमने देखी है बच्चों, घरों में बनती है, स्टीम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीम। अब जो स्टीम हमारी बनी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बनती है, लेकिन जब वो ठंडी होती है, जब उसको हम कूल करते हैं, तो बताओ पानी दिखता है कि नहीं, वाटर ड्रॉप्स दिखती हैं कि नहीं सरफेस यस पे? क्या दिखती हैं? वाटर ड्रॉप्स। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फेनोमेना सॉरी है, इसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विफिकेशन। तो फिर बताओ H2O वेपर कैसी हुई, आइडियल गैस की रियल गैस? रियल रियल गैस, गैस। समझ रहे हो? तो समझने की कोशिश करो तो समझ में आएगा। तो यस, मतलब फिर जिसको लिक्विफिकेशन करना पड़ता है वो रियल गैस होती है नहीं करना ही पड़ता, इसका हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? सर। हाँ सर, जिसका लिक्विफिकेशन हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड ए रियल गैस। ओके सर। मतलब ये तो एक, इसका एक टाइप हुआ, पार्ट हुआ, एक इसकी क्वालिटी हुई, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन क्या है, जो पोस्टुलेट्स है, पहला पोस्टुलेट क्या है बताओ, उनका अपना खुद का फाइनाइट वॉल्यूम होता है, गॉट इट? दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन रियल गैसेस मॉलिक्यूल्स आर नॉट जीरो। ये भी समझ में आ चुका है? यस सर। तो प्रेम राज सब हो ना इस यस क्लास में, कोई गायब तो नहीं हुआ है? हाँ गायब यस सर, गायब हेमांश नहीं सर, हूँ सर। हो ना? ओके, एक वो बच्चा था, वो नहीं दिख रहा आज, मिताली भी है, गगन भी है, दिग्विजय भी है। हाँ राज, सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। राज मात्रे नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम, राज मात्रे भी आ जाएगा, राज नहीं है, नहीं देवल कोटक है क्या? तो ये कम कौन हुआ है फिर इसमें, है जब सब, राज भी है देखो, तुम उसका नाम बता देते हो तो, लेकिन वो तो है, प्रथमेश बता रहा है तुम्हारा नाम कि तुम नहीं हो, बट राज इज हियर। सर वो देखा नहीं। हैं बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बच्चा जो आया था बाद में, वो क्या नाम है उसका, मैं भूल गया, अश्मी है, सब बच्चे हैं। ओके, देवल नहीं है, देवल छुट्टी पे गया है क्या, किधर? डी से आता है ना उसका नाम, दीपेंद्र, दिग्विजय, दीपक, नहीं नहीं दक्ष, दक्ष नहीं है। यस मिताली, करेक्ट। दक्ष कब क्लास में आता नहीं है क्या वो आजकल, कि इधर उधर सर, बैचेस शायद जाता? वो अपने बैच में चला गया वापस से। सर अच्छा, इधर का कवर होके उधर चला गया क्या? शायद से, पक्का नहीं पता, पर नहीं अपने तो बैच के बाकी साथ क्लासेस तो चला होती है ना, फिजिक्स होती है, उसमें देखा होगा किसी में, नहीं मिला तुम्हें? नहीं सर, उसमें भी नहीं आता है। अच्छा, शिफ्ट कर लिया क्या उसने? हाँ सर, शायद बैच चेंज कर लिए। ओके।
नो प्रॉब्लम. बोलो इसमें आपने ये क्या लिखा? कहाँ पे क्या लिखा बताओ. ये कुछ लिखा नहीं, ये तो इंट्रैक्शंस दिखा रहे हैं. इसको हटाओ पहले तुम, फिर समझाएं. चलो बना रहने दो. अच्छा ही है ये देखो, इनके बीच अट्रैक्शन दिखा रहा है. ये मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा और है. ये नहीं सर, इसके नीचे जो आपने ये सब, ये पूछ रहा था कैसा अट्रैक्शन होता है. तो वो है डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन. तो वो आगे पढ़ेंगे. यू कैन स्किप राइट नाउ, इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हो फॉर नाउ. केमिकल बॉन्डिंग में आएगा ये. हाँ वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इसीलिए तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसका. यू हैव टू स्किप, अभी नहीं पढ़ाएंगे उसको. केमिकल बॉन्डिंग तो वेट करना पड़ेगा. यू हैव टू वेट, सो इट विल कम. सर, तो फिर इसका ऐसा कुछ जनरल फॉर्मूला क्या होगा? मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा? तो बस उसी पे आ रहे हैं धीरे धीरे. देखो ओके सर। सर, वो प्रेशर करेक्शन वो सब है ना. हाँ तो देखो हम कैसे इसको पढ़ेंगे. तो लिखेंगे वॉन्डर वॉल, पहले इसको ही कर देते हैं. चलो वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस. ठीक है, तो बताओ आइडियल गैस इक्वेशन ने किन किन इफेक्ट्स को नहीं माना होता है. एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं गैस मॉलिक्यूल्स के, उनको नहीं इसने माना है ना. अगर ये रियल गैस होगी तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे. दैट इज इनको क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो वर्क करते हैं. एक चीज ये, और ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है. वॉल्यूम ऑफ दी कंटेनर. ओके, एंड ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनका अपना खुद का क्या होता है, वॉल्यूम होता है. इनका अपना क्या है, फाइनाइट वॉल्यूम है. तो हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे. बट रियल गैस में ऐसा नहीं होता. ये हमने रियल गैस की पिक्चर बनाई है, इसमें कुछ भी नेग्लिजिबल है नहीं. रियल गैस है, रियल गैस. तो हम क्या लिखेंगे, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, अगर उसमें हम कुछ चेंजेस करें, कुछ उसमें हम लोग पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू पॉइंट्स अगर हम चेंजेस करें, तो हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन बन जाती है. तो लिखेंगे द आइडियल गैस इक्वेशन डज नॉट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसको तो कंसीडर किया नहीं उसने. तो जाहिर सी बात है रियल गैस में इसको कंसीडर करना ही पड़ेगा. तो दो फैक्टर होते हैं. लिखेंगे वॉन डेर वाल, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ड्राइव किया था. वॉन डेर वाल करेक्टेड दी आइडियल गैस इक्वेशन बाय यूजिंग दीज टू करेक्शन, जिनको मैं आगे लिख रहा हूं. उनके नाम क्या क्या होते हैं देखो, बहुत आसान है. पहला जो नाम है वो क्या है, प्रेशर करेक्शन. तो जो स्टेट बैच के इंटीग्रेटेड वाले, उनका तो रिवीजन होगा, उनको ये पहले पढ़ाया जा चुका है. फिर आएगा उसमें वॉल्यूम करेक्शन. एक होता है प्रेशर करेक्शन, एक होता है वॉल्यूम करेक्शन. अगर हम रियल गैस इक्वेशन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन में ये दो करेक्शन करते हैं, तो आइडियल गैस किसमें चेंज हो जाती है, वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन. समझ में आया. तो पहला जो करेंगे हम, तो कौन सा करें बताओ, प्रेशर करें, वॉल्यूम करते हैं. चलो पहला नंबर सर बदल एक लो, मिनट ऊपर इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको आगे पहुंचाओ ऊपर. ठीक है, ये वॉल्यूम करेक्शन. पहला हम लिखेंगे
सर ऊपर करें? यस सर, बस एक मिनट। ओके, यहीं पे और ऊपर? ओके, नो सर, वो ऊपर का एक स्टेटमेंट लिखने वाला रोल। बहुत आसान है, करें इसको। सर ओके, वो आपने ऊपर के डायग्राम था उसमें क्या लिखा था वो? क्या लिखा था? देखो, सर वो जो बीच में इंटर मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस होते हैं कि नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में, यस सर, इसको तो अट्रैक्शन। कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम करेक्शन। अब देखो, जैसे हमने मान लिया कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, वी। वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बहुत आसान है, देखते जाए ध्यान से। और यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन गैस मॉलिक्यूल्स का अपना भी कुछ वॉल्यूम होगा। अगर इन गैस मॉलिक्यूल्स को पकड़ के एक जगह रखा जाए तो कुछ तो वॉल्यूम आएगा इसका कि नहीं आएगा, बताओ। मान लो इनको पकड़ के यहां रखा, एक जगह इकट्ठा किया इनको, इनका वॉल्यूम आ गया वी डैश, या पर्टिकुलर कुछ भी इसको नाम दिया है। तो ये जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो वी। तो फ्री स्पेस कितना बचेगा गैस मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे घूमने के लिए? फ्री स्पेस फॉर दी मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितना बचेगा? वी माइनस वी डैश। बोलो, इतना समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर, टोटल वॉल्यूम है वी, बट इसका चूंकि नेग्लिजिबल नहीं है, इनका खुद का वॉल्यूम तो घटाना पड़ेगा। मान लो ये हमारे पास एक रूम है। इस रूम में पांच आदमी पहले से खड़े हैं, तीन मान लो, बड़ा छोटा सा रूम है, और एक लड़का इधर से आता है। अब उसके पास कितनी जगह बची बताओ, इन तीनों को छोड़ के? तो बची इन तीन, ये जहां पे तीनों खड़े हैं, क्या वहां पे वो खड़ा हो पाएगा या वहां पे नो बैठ सर, पाएगा? नहीं। तो इनके वॉल्यूम तो घटाने पड़ेंगे ना टोटल। मान यस सर, लो टोटल वॉल्यूम है वी और इनका खुद का वॉल्यूम है वी डैश, इसके लिए कितना स्पेस बचा? वी वी माइनस। माइनस वी डैश। ऐसे ही एक कोई भी वॉल्यूम ले लो इसका, क्योंकि ये बहुत प्रोसेस फास्ट होता है, ये बहुत रैंडम मोशन में होते हैं, फास्ट मूविंग होते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, ये जिगजैग मोशन करते हैं ना गैस के मॉलिक्यूल्स। तो फिर इसमें यही मॉलिक्यूल दौड़ रहा है, घूम रहा है, रुका नहीं हुआ है, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से इनका वॉल्यूम तो घटाना पड़ेगा, तभी तो फाइनल वॉल्यूम आएगा जो हमारे लिए अवेलेबल होगा। क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम अवेलेबल फॉर दी मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितना होगा? वी माइनस वी डैश। अब हमें वी डैश निकालना है, कैसे आएगा? देखो, वी डैश जो है इसको निकालना है। वी डैश जो है इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम करेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम करेक्शन, वी डैश। और कई जगह पे इसको डेल्टा वी लिखते हैं, डेल्टा वी और वी डैश। कैसे करेक्शन होगा? देखो देखो, एक मॉलिक्यूल जो होता है ना, इसका वॉल्यूम कितना होता है बताओ? अगर इसकी रेडियस हमें दी है आर, गैस के मॉलिक्यूल्स को कैसा माना जाता है बताओ? स्फेरिकल। कैसा मानते हैं हम लोग? स्फेरिकल। तो एक जो गैस मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। एनी डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट है? लेकिन बताओ, क्या गैस मॉलिक्यूल रुका हुआ है? नो सर,
ये जब गैस मॉलिक्यूल रुका नहीं हुआ है, तो ये जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो इसके जो खुद के वॉल्यूम है उससे 4 टाइम्स ऑक्यूपाई करता है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ये डांसिंग है, कैसा है ये? मूविंग डांसिंग है, ये रुका नहीं हुआ है। जैसे ये बच्चा था ना, इस बच्चे को बोला गया था यहाँ पे वापस आ जाओ, कि भाई 3 लोग अंदर जो है स्टेचू बने खड़े हुए हैं, स्टेचू समझ रहे हो ना, चुपचाप खड़े हुए हैं। तो यस बोलेगा चलो घूम के आते हैं, यहाँ घूमेगा, यहाँ भी घूमेगा, यहाँ भी घूमेगा, हर जगह घूमेगा। लेकिन किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई, स्टेचू नहीं बने अभी, इनको जो है नाचने का मौका दिया जाए। तो अगर ये डांसिंग कर रहे हैं, कोई ऐसे है, कोई भंगड़ा कर रहा है, कोई कुछ और टाइप का डांस कर रहा है, तो बताओ फिर इसके लिए क्या जो पहले जितना वॉल्यूम है वो अवेलेबल है? नो सर, तो इसके लिए लो वॉल्यूम या लेस वॉल्यूम अवेलेबल है ना? कितना यस वॉल्यूम अवेलेबल है? लेस देन पहली वाली कंडीशन में। तो ये एक्चुअल में गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या खासियत होती है, ये 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। कितने टाइम्स? अपने खुद के वॉल्यूम का इंटू 4। तो ये बेचारा कहता है यार मेरे लिए तो बड़ा कम वॉल्यूम अवेलेबल है। तो यही है कि ये 4 गुना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ये जगह पर रुके नहीं हुए। दीज आर नॉट स्टेटिक, दीज आर मूविंग। तो हमारे पास क्या लिखेंगे कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, मतलब जो हमें घटाना है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना आएगा? बोलो बच्चे, 4 टाइम्स इसका 4/3 × πr³। बोलो यहां तक समझ में आया? प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कितना ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। सबके लिए ऐसा नहीं होता है, ये तो मैंने एक तुमको एग्जांपल लिया है, आदमियों के लिए 4 गुना ऐसा जरूरी नहीं है। बट गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होता है ये? कितने टाइम्स? 4 टाइम्स ऑफ दी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। बोलो कहीं पे कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, नो प्रॉब्लम। हेलो हाँ सर, बोलो। आप ये कह रहे हैं कि जितना वो गैस का टोटल वॉल्यूम है उसका वो 4 गुना ऑक्यूपाई करता है स्पेस, यस, समझ रहे बिकॉज हो? गैस गैस पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। हाँ, हमेशा मूव करते हैं और उनके बीच कोलिजन भी होता है। जैसे ये जो है नाच भी रहा था और इसके साथ धक्का मुक्की भी कर रहा है दूसरा वाला, समझ रहे हो? कोलाइड भी कर रहा है। तो बोल रहा है अरे यार इतना ज्यादा वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई करते हो? तो इसको मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, देखो इधर जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर आता है। देखो यहाँ से स्पेलिंग अपनी देख लो, मैथमेटिकली एक बार लिख दिया मैंने, तुम देखना कैसा है। ये गैस मॉलिक्यूल है, अब इससे दूसरा कोलाइड कर रहा है ये। अभी तुमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है क्या? नो जी सर, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, है तब मुझे पता, ना, आइडिया है थोड़ा। थोड़ा आइडिया ना। देखो अच्छा ठीक है, फिर ये आ रहा है। अच्छा जब ये दोनों एक दूसरे में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो ये कोलाइड करने से क्या होगा, जब ये कोलाइड कर रहा होगा तो एक टाइम पे एक ही कोलिजन होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच, ये तुम्हें याद रखना है। तो ये जब कोलाइड कर रहा होगा तो यहाँ पे 2r रेडियस का ये स्फेरिकल वॉल्यूम पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? इतना ये स्पेस को ब्लॉक करे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, है ना? जरूरी थोड़ा ना उधर हो, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से क्या करेगा। तो ये जितनी भी इधर पोजीशंस बची हैं यहाँ पे कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल अब नहीं आएगा। तो बताओ टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, ये कितना है? ये वाला एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना आएगा बताओ? इसको निकाल पाओगे क्या पूरा, ये जिसमें मॉलिक्यूल भी है वो भी, क्या इसको कैलकुलेट कर पाओगे? कितनी रेडियस का है ये स्फीयर? 2r। हम लिखेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 2 मॉलिक्यूल्स, कितना आया बोलो? कितने का क्यूब है ये? 2r रेडियस में पूरे में ये लोग जो है किसी हाँ दूसरे को आने नहीं दे रहे हैं, 2r रेडियस में पूरे में किसी को आने नहीं दे रहे हैं। तो कितना आंसर आएगा? 8r³। और 8 आगे ले जाओ, ये मैं तुमने तुमने पूछा इसलिए बता दे रहा हूँ,
थोड़ा बहुत इसका कहीं भी यूज आ सकता है, बट एक्सप्लोडेड वॉल्यूम का, बाकी जो सवाल है वो सब ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से ही लग जाएंगे। जो मैंने तुमको ट्रिक सिखाई थी, ट्रिक चार गुना लेते हैं, तो ये 8 टाइम्स हुआ, कितने टाइम्स हुआ, 8। 8 टाइम्स कितने के लिए एक्सक्लूड हो रहा है बताओ, 2 के लिए, तो फॉर सिंगल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कितना होगा, फोर हो एक एक जाएगा, एक के हिस्से में कितना आएगा। हाफ होएगा ना उसका, फिर एट, लाइक एट का हाफ करेंगे हाँ ना। हाँ तो हाफ इंटू दिस होल वैल्यू, तो यही तो आता है 4 × 4π/3π r³। तो ये स्फेरिकल शेप होने की वजह से 4 आया था। ह्यूमन के ओके लिए या किसी के लिए हम इसको वैलिड नहीं ठहराते हैं, बट एक ट्रिक होती है याद करने का, तुम्हारा तरीका बनाया मैंने एक, है ना। तो ये ये हर गैस के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, जितनी भी रियल गैसेस हैं सबके लिए अवेलेबल है, हर एक गैस के लिए। बस क्या फर्क होगा बताओ, गैस बदलने से उसका आर का वैल्यू बदल जाएगा, है ना। कोई छोटा हाँ होता है जी गैस मॉलिक्यूल वो बड़ा होता है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है उसकी आर की वैल्यू कम होती है, CO2 बहुत बड़ा है उसकी आर की वैल्यू बड़ी होती है। तो केमिस्ट्री में ऐसा है ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैसीय स्टेट, जब हम लोग यू कैन से मैक्रोस्कोपिकली जब पढ़ते हैं, बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे कंटेनर में गैस को पढ़ रहे हैं, तो हम गैस मॉलिक्यूल्स को कैसा मानते हैं बताओ, स्फेरिकल। कैसा मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। स्फेरिकल। उसका शेप कैसा भी हो, माइक्रोस्कोपिकली उसकी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी पे, लेकिन जब हम गैस मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जैसे मैक्रोस्कोप मतलब क्या, एक शीशी में, एक कंटेनर में गैस भरा है, एक बॉटल में गैस भरी है, तो वो हमको दिख रही है, तो वहां पे हम गैस मॉलिक्यूल को एक स्फीयर मानते हैं। ये तुमको याद रखना है, केमिस्ट्री में जैसे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, सबको स्फेरिकल माना गया है जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने स्फीयर माना है इसको, बिकॉज ये हम लोग का कन्वेंशनल ऐसा है, नेचुरली जो है चीजें स्फीयर होना चाहती हैं, तो इसलिए इनको सबको स्फीयर मान के सॉल्व करना है। तो ये वॉल्यूम जो है ये अवेलेबल नहीं है, दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैसेस। दिस वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो इसको तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा। वो मेंटेन नहीं कर रहा है आर्यन, ऐसा नहीं कर रहा है कि वो उसका 4 गुना है, तो एक्चुअल में क्या है, दूसरे के लिए वो अवेलेबल नहीं है। इतने ज्यादा कोलिजन्स होते हैं ना, जैसे किसी को पता है ना, जैसे स्टम्पेड होता है, लोग भागते रहते हैं इधर उधर, ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स ना कभी रुकते ही कहाँ हैं, इधर उधर ऐसे झगड़ा करते हुए बढ़ते ही रहते हैं, तो हर एक टाइम पे उसके बीच क्या होता है, कोलिजन्स। ये मॉलिक्यूल है ना, ये इससे टकराया, फिर ये इधर गया, फिर यहाँ पे एक पहले से था उससे टकराया, ये इधर गया वो इधर गया, ये कोलिजन्स जो हैं वो बहुत तेजी के साथ, किसी एक मॉलिक्यूल को ट्रेस करोगे तो लगेगा पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, एक जगह पे रुकता ही नहीं है, वैसी वाली फीलिंग आएगी, समझ रहे हो, भागते रहते हैं ना ये, है बात सही कि नहीं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे भागते रहते हैं। ये गैस मॉलिक्यूल इतना भागता है कि बहुत कोलिजन करता है, ये किसी से भी टकरा जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए तुम्हें। सर मतलब ये तो अनसर्टेनिटी जैसे हुआ। हाँ लेकिन प्रैक्टिकल है ना, मैथमेटिक्स लगाओगे तो प्रैक्टिकल है ना। मान लो किसी भी टाइम पे हम तुमसे ऐसे आके टकरा गए, भाई दूसरे लोग केवल देखेंगे, चलो यार देखते हैं क्या झगड़ा हो रहा है, तो वैसी वाली चीज है यहाँ पे। जब ये आपस में टकरा रहे हैं ना, तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास भी नहीं आएगा, बोलेगा पहले ये, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में होती, वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, बहुत जल्दी ये काम होकर के हट जाता है। तो मतलब क्या कोलिजन कभी रुकते हैं क्या प्रथमेश, बताओ। नो सर, तो हमेशा कोलिजन हो रहे हैं, तो हमेशा क्या आएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, है ना। यस सर, तो कभी भी कोलिजन रुक नहीं रहे, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमेशा आएगा। तो यही है कि तुम्हें याद रखना है कि कितना होता है ये, 4 × 4π/3π r³। ओके सर, तो हाँ, इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, को वॉल्यूम, इसको एक नाम और दिया गया है, को वॉल्यूम पर
पर मॉलिक्यूल, फ्लूइड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। आर क्वेश्चन में गिवन होगा, यस आर तो गिवन होगा क्वेश्चन में। कुछ नोट करना बचा है क्या एनीथिंग? तो आगे बढ़ते हैं, फिर सीधे सीधे डेरिवेशन जो चल रहा है उस पर काम करते हैं। अच्छा बताओ, तो ये कितने मॉलिक्यूल के लिए है एक्सप्लोर वॉल्यूम, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? वन मॉलिक्यूल सो फॉर एन ए मॉलिक्यूल कितना होगा? एन ए मॉलिक्यूल का मतलब कितने मोल? बोलो। एन ए टाइम्स हो जाएगा ना, 4 × 4/3 πr³ इंटू एन ए आया। इसको हम लोग बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं इसको? बी। इसको एक नया नाम दिया गया, बी। क्या है ये? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल गैस कितना होता है? बी। कभी कभी बी की वैल्यू पूछते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी होती है कोई बता पाएगा? ये वाली है, 4 × 4/3 πr³ इंटू एन ए। तो बताओ, अगर एन मोल गैस हो, इफ एन मोल गैस, देन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होगा? एन टाइम्स हो जाएगा, एक मोल का बी है तो एन मोल का एन बी होगा। तो यही तो हमारा क्या है, डेल्टा वी, वॉल्यूम करेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम करेक्शन फॉर एन मोल रियल गैस कितना आएगा? एन बी। तो बताओ, वॉल्यूम अवेलेबल कितना बचेगा? आप कंटेनर कितने था? वी। बोलो बोलो बच्चे, इधर जब तुम पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हें समझ में भी आना चाहिए। ये आएगा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को? करेक्टेड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? तो नोट करें जल्दी से इसको, कहां से बचाए नोट करना तुम लोग को बताओ। सर थोड़ा नीचे। ओके, कहीं पे डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा फास्ट लिखो। हाँ बोलो बोलो। सर वो क्या, अभी अभी तुम्हारी आवाज सही आ रही थी, अब बहुत कम आ रही है। अभी तो सही थी। सर अब ठीक है। तो हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अभी करेक्टेड वॉल्यूम निकाला है वो सर आइडियल गैस की इक्वेशन में आप उसको यूज करोगे क्या? हाँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पुट करेंगे, है ना? क्योंकि अगर रियल गैस होती तो कितना वॉल्यूम हम लोग को चाहिए था? क्या वी कंटेनर चाहिए था? नहीं, उससे कम में काम चल जाता क्या? अगर भाई कंपेयर करें तो रियल गैस के लिए अगर वी कंटेनर का वॉल्यूम लिया है, तो अगर हमारे पास आइडियल गैस होती तो वी माइनस एन बी से ही काम चल जाता, बिकॉज उसमें तो जो वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल होता है। हाँ, बैटरी भी लो है, तो इसको हम आइडियल गैस में रखेंगे। रुक जाओ, अभी आगे हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे।
सर अगर उसमें से फ्री मूवमेंट हटा दे उस फॉर्मूला में से, तो NB डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ना। क्या? अगर सर फ्री मूवमेंट हटा दे मतलब वो गैस अगर स्टेडी है ऐसे हिल नहीं रहा है सर, तो फिर V माइनस NB, NB डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ना सर। नहीं, हमेशा ऐसा ही रहेगा, बिकॉज जो बी है ना, बी उसको निकालने में तो यहाँ पे देखो 4 × 4/3 पायर ग्रुप कर चुके हैं, और ये चार जो है ये गायब नहीं होगा, इसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, अब ये ऑलवेज ऐसे रहेगा। हाँ सर, पर अगर सर ऐसे कंसिडर कर लिया सर हाँ तो वैसे तो कंसिडर होगा कर नहीं। सकते हैं, बट चूंकि रियल गैस में है तो कंसिडर नहीं कर सकते ना, रियल गैस इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो अपने आइडियल ओके गैस तो सर, थी, फिर तो हाँ रियल सर ही तो चल कहीं रहा है। अगर कंसिडर कर लें तो वो तो अलग बात है, बट वही बात है, यहाँ पे तो रियल गैस पड़ रहे हैं, रियल गैस है तो रियल चीजें पड़ रहे हैं। ओके सर। आगे चलें? यस सर। ओके ओके। गॉट इट? तो नाउ वी विल कंटिन्यू, नॉट अ प्रॉब्लम। नो, फॉर एन मोल ऑफ गैस, फॉर एन मोल ऑफ गैस है ना, फॉर एन मोल ऑफ गैस, फॉर वन मोल ऑफ गैस वी माइनस बी, देखते जाओ, डाउट्स पूछते जाओ और देखते जाओ, नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम लोग करेंगे प्रेशर करेक्शन। तो लिखते हैं डेल्टा पी से, प्रेशर करेक्शन में लिखते हैं डेल्टा पी से, ठीक है? देखना, ये गैस इसमें है, तो गैस कोलाइड भी तो करती है, गैस के कोलिजन से क्या कौन सी प्रॉपर्टी अपीयर होती है, कोई बताएगा? गैस के कोलिजन से, वॉल ऑफ द कंटेनर से और आपस में कोलिजन से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी अपीयर होती है, कौन सा टर्म आता है? केटी जी याद करो, एनीवन? प्रेशर कैसे आता है? प्रेशर, प्रेशर आता है कि नहीं? तो गैस अगर यहाँ पे है, मान लो एन मोल, एन मोल गैस है, रियल गैस, कैसी गैस, ये कंटेनर का वॉल्यूम वी है, क्या हम करेक्टेड वॉल्यूम निकाल चुके हैं कि नहीं, है ना? वी कंटेनर का वॉल्यूम है, और करेक्टेड वॉल्यूम कितना आया था? वी माइनस एन बी। ओके, एन की वैल्यू पता है, बी हमें पता है क्या होता है, ऊपर लिखाया हुआ है। अच्छा बताओ, यहाँ पे जो मेजर्ड प्रेशर है, जो हमने मेजर किया है, क्योंकि प्रेशर तो हम अंदर घुस के देख नहीं पाएंगे, उसको मेजर करेंगे, मेजर्ड प्रेशर कितना आया? पी आया। प्रेशर कैसे आता है? जब गैस मॉलिक्यूल्स जो है कोलाइड करते हैं वॉल से, लेकिन बताओ जब ये वॉल से कोलाइड कर रहे हैं तो प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है बताओ? पी। पी जनरेट हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये कोलिजन कर रहे हैं, इससे जाकर के लड़ रहे हैं इसे, तो यस पी सर, जनरेट हो रहा है। लेकिन बताओ जिस समय वो कोलाइड कर रहे हैं, क्या वो फ्री हैं? आर दे फ्री? आर दे बिल्कुल क्या फ्री है वो? नहीं है ना, क्यों? क्योंकि पीछे वाले मॉलिक्यूल इसको खींच भी तो रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये दूसरे को, बोलो। यस सर, यस सर।
तो जितना प्रेशर इसको लगाना चाहिए था क्या उतना लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। मान लो ये एक बच्चा है, यही मैं बच्चों को सिखा देता हूँ, बट वो झगड़ते नहीं है, तुम लोग का पता नहीं। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, ये दोनों, तो बताओ ये दोनों लड़ रहे हैं, मान लो खूब धक्कम दी है इसमें हो रही है, तो अभी ज्यादा लड़ाई हो रही है, अब पीछे से आ गए बड़े भैया या अंकल और इसको बोला कि अरे रुको यार, इसको पीछे से पकड़ रहे हैं, ठीक है ये, तो बताओ इसको पकड़ने से क्या पहले जितनी लड़ाई हो पाएगी? 100% ना फाइट हो पाएगी क्या? तो फाइट ना में क्या आ सर, जाएगी? मान लो 40% बची फाइट, यहाँ पे ह्यूमन एग्जाम्पल है, चलो मैं ले लेता हूँ 80% बची फाइट, थोड़ा बहुत तो एक दो हाथ मार ही देंगे। तो ये क्या है, पीछे वाला जो इसको खींचता है ना, तो लड़ाई हो जाती है कम। जितना प्रेशर पहले क्रिएट हो रहा था पी, बताओ अब उससे कम क्रिएट हो रहा होगा कि नहीं? यस सर, अब जब तूने मेजर किया वो पी है ना, जब बच्चा पीछे से पकड़ा हुआ है, ये जो बड़े वाले भैया इन्होंने पकड़ लिया पीछे से, तो कितना मेजर प्रेशर आया पी। लेकिन अगर इनको छोड़ दिया जाए तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा सर, पी तो फिर उसको ही क्या बोलते हैं, प्रेशर प्लस करेक्शन। डेल्टा पी। हाँ तो ये है करेक्टेड प्रेशर में जो ये वाला टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी कैपेसिटी से इस पे कोलाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पीछे वाले ने इसको खींचा हुआ है। ये बोलता है कि मैं हूँ रियल गैस और मेरा काम है खींचना, तो ये बोलता है कि चलो कोई बात नहीं खींचोगे लेकिन प्रेशर हम लोग का कम हो जाएगा, प्रेशर हुआ पी, मेजर्ड प्रेशर। लेकिन ये बोला कि नहीं, मेरे अंदर ताकत तो बहुत थी बट इन्होंने पीछे खींच लिया था, इसलिए हम अपनी एक्चुअल कैपेसिटी दिखा नहीं पाए। अगर हम आइडियल गैस होते तो हमारा पी प्लस डेल्टा पे प्रेशर जनरेट होता। बोलो समझ आया सबको ये? सर वो पीछे यस खींच रहा है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से खींच रहा है क्या? तो हाँ, अट्रैक्शन फोर्स है ना, पीछे खींच रहा है ये एक दूसरे को। खींचेगा हाँ तो वो ही ना जो ज्यादा पास में होगा, लाइक हाँ बिल्कुल, लेयर वाले, ये लेयर वाला, जैसे ये ओके है ना, ये लेयर इस लेयर को खींचेगी, ये लेयर इस लेयर को खींचेगी, ऐसा लेयर लेयर खींचते हैं, पास पास वाले, ये इसको खींच रहा है ना, ये एरो बनाया देखो ये वाला, अब ये वाला इसको खींचेगा, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट तो इस पे ही पड़ेगा ना बेचारे पे। तो इसने बोला कि मेरा जो प्रेशर था वो था पी मेजर्ड, लेकिन मेरे अंदर जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, पी प्लस डेल्टा पी की। लिखेंगे एज इन रियल गैस, गैस मॉलिक्यूल्स विच आर कोलाइडिंग टू दी वॉल ऑफ द कंटेनर, दी वॉल ऑफ दी कंटेनर आर अट्रैक्टेड बाय दी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दी एडजेसेंट लेयर्स, हेंस देयर मेजर्ड प्रेशर P इज लेस देन देयर एक्चुअल प्रेशर, उनका जो एक्चुअल प्रेशर है उससे कम मेजर हो पाता है ना। हेंस प्रेशर करेक्शन डेल्टा पी इज अप्लाइड। तो अगर डेल्टा पी अप्लाई किया तो डेल्टा पी जो होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है बताओ? एन अपॉन वी, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और दूसरे जो कोलाइडिंग है और जो अट्रैक्टिंग है, दोनों पे डिपेंड करता है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे और पीछे जो अट्रैक्ट कर रहे हैं अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन नहीं कंसंट्रेशन। ये हमको याद रखना है। हाँ बच्चे अभी स्क्रॉल करूंगा, सुन तो जाओ पहले,
मतलब ये जो डेल्टा पी की वैल्यू है ना भाई, जितने कोलाइड करने वाले हैं और जितने इसको खींचने वाले हैं, क्या ये आपस में चेंज नहीं होंगे? विल दे इंटरचेंज और नॉट? कौन बताएगा? विल दे इंटरचेंज और नॉट, जल्दी बताओ यार। यस सर, इंटरचेंज होंगे ना, तो सब कुछ जो टोटल वॉल्यूम्स है, टोटल मोल्स है, उस पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि जब इनके बीच कोलिजन होता है ना, तो बहुत फास्ट होता है, 1 सेकंड में 1000 बार भी हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ये जैसे ही कोलाइड किया, इसका नंबर आ गया, फिर ये कोलाइड किया, फिर इसका नंबर आ गया, तो ये आपस में रोटेट हो रहे हैं ऐसे ऐसे, मतलब कोलिजन खूब ज्यादा ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल जैसे मैंने दिखाया ऐसा ही होता है। अगर उनको ट्रेस करो तो खूब कोलिजन हो रहे हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो एन है और वॉल्यूम है वी। तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा पी क्या आएगा? प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वेर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और इसको जब हम हटाते हैं तो एक वॉन्डरवॉल कॉन्स्टेंट आता है, इसको बोलते हैं ए। तो यार ए इज द कैरेक्टरिस्टिक, क्यों है ये? क्योंकि हर गैस पे डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, है ना। ए जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और भी चीजें सीखेंगे। ए जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो नोट करें जल्दी से इसको, प्रेशर करेक्शन को। तो जो मेजर्ड प्रेशर था वो अट्रैक्टिंग जो फोर्सेस है, या जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इनकी प्रेजेंस में था। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस को हटा लिया जाए तो बहुत तेजी के साथ फिर जो है वो कोलाइड करेगा। जो धक्का वो मारेगा वॉल ऑफ द कंटेनर पे, जो कोलिजन करेगा, उसकी कैपेसिटी और उसका जो इंटेंसिटी होगा वो ज्यादा होगी। इसलिए जो प्रेशर होगा, जो फोर्स होगा, वो ज्यादा लगेगा। तो जो प्रेशर जनरेट होगा इनसाइड द कंटेनर वो भी ज्यादा होगा। दैट्स वाई पी प्लस डेल्टा पी हुआ है, पी प्लस डेल्टा पी, वेयर पी इज द मेजर्ड प्रेशर एंड डेल्टा पी इज द प्रेशर करेक्शन। ओके, तो बताओ वॉल्यूम, आवाज जो होती है, साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज? नो सर। नो सर। सर ये थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन अलग अलग है ये।
और नीचे करें, जल्दी से लिखो। डन। अच्छा बचा है अभी। ओके जल्दी से कर लें प्लीज। ओके नाउ जस्ट ओके आर्यन, देखो पी ये आपने पहले भी पढ़ाया था क्या इसमें। सर? गैस में ऐसा लग रहा है। अच्छा मुझे तो नहीं याद है, हो सकता है पीवी इक्वल टू आरटी पे प्रूव करना है। हाँ सर वो 4 टाइम्स मीडियम तक पढ़ाया था बस। अच्छा नाउ पुट, अच्छा नाउ पुट करेक्टेड प्रेशर वॉल्यूम इन पी वी इक्वल टू आरटी, ठीक है पुट करो तो क्या आएगा, पी प्लस ए इस गैस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बोलो बच्चे, वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर दी कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट्स। बोलो कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोलो। एक इस पर डिपेंड करता है, कोई बताएगा बोलो। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं गैस मॉलिक्यूल के बीच में उस पे डिपेंड करते हैं। हाँ बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर बढ़ेंगे तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। हाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाओगे तो ए की वैल्यू बढ़ेगी, ये एक चीज पॉइंट याद रखना है। अभी यूनिट पे आ जाएंगे, फिर बी पे आ जाओ। बी जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, बी क्या है बताओ, व्हाट इज बी? यस न्यूमेरिकल्स हैं इस पे सर, एनए मॉलिक्यूल का मतलब ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ना। यस सर, एनए मॉलिक्यूल का बी यही तो आया था, देखो बी ऐसा कुछ था कि नहीं, इनटू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू एनए। इसमें क्या वेरिएबल है, सिर्फ आर ही तो वेरिएबल है, तो अगर हम आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा। आर का मतलब क्या है, साइज
रेडियस, अगर साइज बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा, तो बी किस पे डिपेंड करता है? आर हाँ, साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, है ना? बोलो, सब समझ में आता है? तो बी किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइज दैट इज रेडियस रेडियस एस मॉलिक्यूल। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ? बी की वैल्यू एच टू के लिए बड़ी होगी या ओ टू के लिए? हाँ, यूनिट बता रहा हूं। बी वैल्यू किसके लिए बड़ी होगी? एच टू के ओटू छोटे के छोटे होते हैं ना, लिए। और ऑक्सीजन बड़े बड़े होते हैं, तो साइज इसका बड़ा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, बाकी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जल्दी से नोट करें इसको, फिर यूनिट पे आते हैं। यूनिट पे आएंगे। सर थोड़ा सा नीचे। हाँ हाँ, लिखो, लिख लो, जल्दी से लिख लो। डन, जल्दी बताओ, फिर आगे भी तो काम करना है, यूनिट भी तो निकालनी है। अच्छा, तुम लोग में से किसी ने यूनिट डायमेंशंस पढ़े हैं फिजिक्स में? यस सर। तो फिर बताओ निकाल के, 8 यूनिट की आएगी यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशंस। आसान है। NSCHL, ये क्या है? ANSCHL क्या है? पर ना, ये कौन सा कोड लिखा है तुमने? ये तो मेरे समझ के बाहर है। सर हाँ? अच्छा, लिख रहे इन स्कूल। यस यस यस, वेरी गुड, दैट्स ए इम्पोर्टेंट कोड आई थिंक। इन SCHL, ओके, इन स्कूल। हमें एल लग रहा था दोनों, वो एन ई है, आई है। ओके,
आई एन इन स्कूल। हाँ तो हटा दें इसको। yes. देखो यूनिट्स ऑफ ए एंड बी अच्छा ए और बी किस पर डिपेंड करते हैं फिर से बताओ बोलो नेचर ऑफ द गैस है ना गैस का नेचर कैसा है गैस छोटी है बड़ी है गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे सब उसके नेचर में आ जाते हैं यूनिट्स कैसे निकालते हैं ओके सो पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी दिस इज कॉल्ड वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। तो हमें यूनिट डायमेंशन से पता है अगर दो प्रॉपर्टीज को जोड़ा जा रहा है तो इनकी यूनिट आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल तो लिखेंगे यूनिट ऑफ पी शुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ ए इंटू यूनिट ऑफ एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। होमोजीनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ये तो फिजिक्स के लोग बता सकते हैं मुझे तो ये नाम याद नहीं बचपन में भले पढ़ा हो मैंने मैं तो ऐसे बोलता हूँ अगर दो चीजों को ऐड कर रहे हैं तो उनकी यूनिट बराबर होनी चाहिए दैट्स इम्पोर्टेंट। अब शायद इसको सही होमोजीनिटी से नाम भी समझ में आ रहा है होमोजीनियस यूनिट होनी चाहिए सो मे बी इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी यू कैन चेक इन द नोट्स ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स। एक यूनिट मोल स्क्वायर लीटर की पावर माइनस टू एटीएम बहुत अच्छे लग तो सही रही है यूनिट क्या होती है प्रेशर की इसमें बताओगे कई एटीएम बता सकते हो हमारे पास भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट तरीके एटीएम। यूनिट ऑफ ए निकालना है एमकेएस में भी निकाल दूंगा बच्चों हम यूनिट ऑफ एन क्या होता है मोल का स्क्वायर वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम किस में लिखते हैं लीटर में भी लिखते हैं लीटर स्क्वायर तो यूनिट ऑफ ए क्या आएगी बोलो बच्चों एटीएम लीटर स्क्वायर मोल माइनस टू है ना और यूनिट ऑफ ए इन एमकेएस क्या आएगी बोलो बच्चों प्रेशर यूनिट क्या होती है पास्कल लीटर की जगह पे मीटर क्यूब का स्क्वायर मोल पावर माइनस टू पास्कल मीटर पावर सिक्स मोल इनवर्स। अब पता नहीं फिर इसमें क्या क्या होगा आई डोंट नो उतना तो मुझे नहीं समझना है क्यों क्योंकि ये तो फिर यूनिट डायमेंशन तो पढ़ते ही हो यार है ना तो इसको और भी खोल सकते हैं उसमें आता है ना एम एल टी डायमेंशंस होती हैं मास है ये जो है डिस्टेंस है ये टाइम है उसके टर्म में भी निकाल सकते हो बट वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है नॉट अ प्रॉब्लम। जल्दी से नोट करें इसको यूनिट ऑफ ए चलो बी निकाल देता हूँ फिर दिखाता हूँ यूनिट ऑफ बी इक्वल है यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एन इंटू यूनिट ऑफ बी यूनिट ऑफ ए क्या है लीटर लीटर को एल से लिखते हैं यूनिट ऑफ एन क्या है मोल यूनिट ऑफ बी क्या आएगी बोलो लीटर पर मोल लीटर मोल इनवर्स और ऐसा यूनिट में क्या आएगा यूनिट ऑफ बी मीटर क्यूब मोल इनवर्स एनी डाउट तो बताना। यस वेरी गुड तो मैं टाइम देता हूँ नोट करने का बच्चों तो उसको जल्दी नोट करें प्लीज मैं छोटा कर दिया
चलो हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। जेई के क्वेश्चंस में ए और बी वाले क्वेश्चंस आते कहाँ हैं बच्चे, ज्यादा क्वेश्चन उस पर नहीं आते हैं। ओके बात देखो, थोड़ा छोटा करें क्या इसको। ओके क्या यानी, सो द टॉपिक नेम दैट लिमिट वन, नहीं समझा मुझे इस बोर्ड में पूछते हो। सबसे ऊपर भी लिखा था वो, से हो लिख लिया, हो गया। अच्छा गगनदीप तुम्हारा हो गया, यस नहीं उसके बाद वो आर्यन किसी को पूछा था किसी ने, उसने पूछा। ओके आर्यन तो समझ जाएगा, कोई बात नहीं। नाउ बात आती है फिर से वापस उस पर। क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल ही होते हैं, उसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले कुछ और बताना चाहता हूँ, उसको सुनो। वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या आई थी, पे पी प्लस बताओ, और वन मोल गैस कितना होगा। सर एन स्क्वायर हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी। हाँ अब बताओ, फॉर वन मोल गैस एन की वैल्यू कितनी होगी, तो ए अपॉन वी स्क्वायर आएगा, वी माइनस बी आएगा, और क्या आएगा, आर टी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस को क्या बोलते हैं बोलो, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, वी एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दैट इज मोलर वॉल्यूम। क्या लिखते हैं बोलो बच्चों, गैसेस के अंदर स्पेसिफिकली, तो वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी एम। बोलो कोई डाउट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लिया, आगे बढ़े। जल्दी जल्दी लिखो यार। सर मतलब इसमें ये डायरेक्ट सॉल्व किया तो भी हो जाता है सर, वन मोल करके मतलब सर। हाँ वन मोल तो डाला, लेकिन चूंकि वन मोल पे जो वी है उसको वी एम लिखते हैं, तो वो मैंने दिखा दिया, ओके समझे। ओके मतलब सर एमसीक्यूज में आ सकते हैं सर। हाँ तो मोलर वॉल्यूम जिसे लिखा हो तो समझ जाना वी एम का मतलब है वन मोल गैस के लिए लिखा है, तो एन यहाँ ने ढूंढना, फिर एन की वैल्यू कितनी हो गई, वन। वन समझ गए। यस सर। अब लिखेंगे, ये सब हो गया, अब लिखेंगे डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसको हमें स्टडी करना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टर्म डिफाइन करें जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो अपना काम हो जाएगा। इसको जेड से लिखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड अगर हमने पढ़ा,
तो हम देख लेंगे कि डेविएशन कितना है रियल गैस का आइडियल गैस से. लिखेंगे यूजिंग जेड वी कैन मेजर द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. आइडियल से कितना डेविएट करता है. जेड की वैल्यू क्या होती है. जेड होता है पीवी ऑफ रियल गैस अपॉन पीवी फॉर आइडियल गैस. ये इन दोनों के कंपैरिजन को बताता है. समझ रहे हो कि नहीं. तो पीवी रियल तो हमें निकालना ही पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है. बट पीवी आइडियल किसके बराबर हो जाएगा बोलो. नाटी के. हाँ, और आइडियल गैस पीवी रियल का तो हमें फॉर्मूला वगैरह चाहिए, कभी बता पाओगे तुम. बट पीवी आइडियल एनआरटी होता है, तो इसमें लिख दिया एनआरटी. समझ में आया. तो जेड की वैल्यू क्या निकल के आई. पीवी रियल गैस अपॉन एनआरटी. अच्छा, इफ वन मोल अगर है तो फिर क्या होगा. इफ वन मोल गैस तो वी की जगह पे क्या लिख देंगे. वी एम. तो जेड क्या बनेगा. पी वी एम रियल अपॉन आर टी. बोलो समझते हो कि नहीं इस बात को. यस सर. तो ये फॉर्मूले सारे तुम्हें याद होने चाहिए. कोई फॉर्मूला नहीं है स्पेशली, इसमें जेड है. और एक दूसरा तरीका भी इसको समझने का ये है कि हम वी कैन ऑल्सो राइट इस फॉर्मूले से ही. देखो रियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जेड क्या आएगी बताओ. पीवी इज इक्वल टू जेड एनआरटी आएगी कि नहीं. ऊपर वाले से इससे लिख सकते हैं कि नहीं. पीवी इज इक्वल टू जेड एनआरटी. बताओ आइडियल गैस के लिए कितना वैल्यू होगा. फॉर आइडियल गैस जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. गॉट इट. और रियल गैस जेड क्या होगा. नॉट इक्वल टू वन. तो ये भी एक तरीका. एक वैन डेर वाल गैस इक्वेशन पढ़ा, एक रियल गैस इक्वेशन जेड के फॉर्म में पढ़ी. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये डिसाइड करता है जेड की वैल्यू वन से ज्यादा है या कम है. अगर z से ज्यादा है तब भी डेविएट कर रहा है. z से कम है मतलब z इज इक्वल टू वन, सॉरी वन से कम है तो भी क्या है डेविएशन है. वन से ज्यादा है तो भी डेविएशन है. तो pv रियल अपॉन pv आइडियल का रेशियो है ये. तो इसको नोट करें. कहाँ से नोट करोगे बताओ. यहाँ से जल्दी से नोट करें, फिर हम समझाएंगे इसको आराम से. सर और अगर z इज इक्वल टू 1 हुआ तो फिर वो डेविएट नहीं होगा. फिर तो आइडियल गैस बन जाएगी ना. यस सर, फिर वो आइडियल गैस बनेगा. उसी से तो कंपेयर करेंगे कि 1 से ज्यादा है या 1 से कम है. सर तो फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वेरीफाई करो कौन सा गैस है आइडियल या रियल. बिल्कुल आ सकता है. ओके सर. तो जेड की वैल्यू निकाल के बता दोगे है ना. यस सर. अभी इसमें बहुत चीजें समझाएंगे. नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन सब आएगा, धीरे धीरे आएगा. सर और इस पे क्वेश्चंस आप कर. हाँ क्वेश्चन तो कल ही हो पाएंगे, बट थोड़ा सा और समझ गए इसमें. यस सर. अच्छा देखो जेड क्या था. पीवी रियल था कि नहीं था. हाँ
यस सर। अरे आई वन लास्ट टॉपिक ओके, पर पता नहीं कहाँ का तुम्हारे टूटा है, पता नहीं मुझे, बट हाँ मैं शेयर तो करूंगा, जरूर शेयर करूंगा। पी क्या है? प्रेशर। अगर प्रेशर सेम है दोनों कंडीशन में तो हम क्या लिख सकते हैं, वी रियल अपॉन वी आइडियल। तो जेड क्या लिख सकते हैं, वी एम रियल अपॉन वी एम आइडियल। केवल सेम प्रेशर पे हम अगर उनके मासेस को कंपेयर कर लें, सॉरी वॉल्यूम्स को, तब भी निकल के आ जाएगा। मान लो ये पीवी ग्राफ है, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया, तो अगर ये आइडियल गैस है और ये रियल गैस है तो डेविएशन समझ में आ रहा है कि नहीं? आइडियल गैस से ग्राफ इसका कैसे जा रहा है पीछे, कभी कभी क्या होगा इसके आगे भी जाएगा, तो वो हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे होता है ये, हाउ दिस विल हैपन। कैसे इस ग्राफ को पढ़ते हैं, समझ गए? तो ये लिखो, सबका नोट हो गया? सब एक बार थोड़ा ऊपर कर सकते हो? यस। और मैं कर दिया हूँ ऊपर, और ऊपर करूँ क्या, देख लो तुम लोग देख के बताओ। फिर वो ठीक है, थोड़ा ऊपर। ये क्या हो गया, ये कैसे जाएगा सर? ये तो कौन सा दूसरा ही साइड ओपन हो गया, कुछ उसमें था क्या, कुछ मैंने बटन दबा दिया। हाँ सर, सर थोड़ा ऊपर और, हाँ सर बस बस यही वाला, वो स्टार मार्क करके वो पॉइंट, नहीं सर वो नीचे थोड़ा। हाँ ठीक है, कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। सर ये तो हो गया सब, बस वो बीच का एक पॉइंट लिखना रह गया। हाँ सर ये वाला बस, वीकेंड सर, वो वीकेंड के आगे क्या है? आल्सो। ओके सर, बोलो दिक्कत है कोई इसमें लिखने में, कहीं पे कुछ डाउट है? लास्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना ये पूरा। लिमिट टॉपिक, अच्छा लिमिट ऑफ, लिमिट और यूनिट क्या लिख रहे हो? यूनिट आर्यन, यूनिट ना, यूनिट होगा भाई, लिमिट कैसे होगा? लिमिट भी होती है, हाँ क्यों नहीं शेयर करेंगे। क्या ओपनिंग कैसा था प्रणव? पीडीएफ फाइल नहीं था क्या प्रणव? सर था, लेकिन वो बोल रहा है कि ये अभी हुआ है तो उस जो जिसको भेजा है उसको वापस भेजने के लिए। अच्छा वैसा वाला कुछ था क्या? वो क्यों बोलता है, क्यों बोलता है, क्यों बोलता है सब पता नहीं। ठीक है बोलेंगे, मैंने तो डिलीट नहीं करी है अपने से। वो कभी कभी नेट नहीं होता ना तो कहता है, अरे आ तुम चेक करो अभी फिर से करेंगे वैसे। क्या
क्या सर? चलो ये मैं नोट शेयर करता हूँ, उसमें से लिख लेना, ठीक है? ओके सर। ओके सर, अभी शेयर करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलो बाय बाय। आप ये बोर मॉडल का सर आप रिवीजन लेक्चर लेने वाले हो? और एक सर, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है फिर भी अभी भी। चलो ठीक है, लेते हैं। कब लेते हैं? जब नेक्स्ट अपना क्लास होगा डाउट का, उसमें ले लेंगे, ठीक है? डाउट क्लास में ही। पर अभी तो ओके सर नहीं है क्या? होगा, देखो देखो। हाँ सर है। चलो अभी सेंड करता हूँ। हाँ ओके सर, बाय सर। बाय 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 सर, थैंक यू सर। हाँ बाय बाय।